नवापारा राज्य को प्रयागराज का दर्जा दिया गया है। राज्य मादी पुन्ना मेला इस बार 19 फरवरी को शुरू हो गया है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। राजिम अपने आप में छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व रखता है, जिस कारण राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। पर इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजिम मेले का स्वरूप भी बदला है। जिस तरह कांग्रेस ने प्रदेश में पूर्व शराबबंदी की बात कही, उसी की तरह इस बार राजिम मेले के दौरान राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने विभिन्न मंचों के माध्यम से राजिम और नवापारा में 15 दिनों तक पूर्ण शराबबंदी की बात कही, जिसका सभी लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे थे। पर राजिम पुन्नी मेला आज शुरू होने के बाद धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। सुबह तो शराब दुकान के पास कोई नज़र ही नहीं आया, न चखना दुकान वाले ना ही कोई अन्य। जैसे ही शराब की दुकान खुलने की खबर मिली, वैसे ही लोगों की भीड़ शराब की दुकान के लिए, शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़ी। वैसे ही नवापारा राजिम शराब दुकान के पास जो चखना दुकानें लगाने वाले लोग थे, वो भी आ गए और अपनी दुकानें लगाना शुरू कर दी। चखना दुकानों से बात करने पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने कहा था कि राजिम मेले के दौरान राजिम और नवापारा की शराब दुकानें 15 दिनों तक बंद रहेंगी, जिसके बाद से लग रहा था कि शराब की दुकानें वाकई में बंद रहेंगी, मगर आज सारी दुकानें खुलती हुई नज़र आ रही हैं और धड़ल्ले से शराब बिक्री हो रही है। क्या विधायक जी की बात का किसी पर कोई असर नहीं हुआ? नवापारा से कृष्णा मैश्राम लाइव अभी तक। कांग्रेस शासन आने के बाद शराबबंदी की उन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने भी राजिम मेले के दौरान 15 दिनों तक शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन आज संचालित है राजिम मेले के दौरान शराब दुकान। इस विषय पर आपका क्या कहना है? विगत वर्षों में कांग्रेस ने जो कहा है सिर्फ उसको उल्टा किया है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, चाहे कर्ज के मामले में हो, चाहे महिलाओं के जो उन्हें स्व सहायता समूह में जो कर्ज दिया है उसके माफ करने वाले मामले में हो, चाहे शराब बदली वाले मामले में हो, सबको इन्होंने घोषणा पत्र में रखा था। आज शराबबंदी पर जब बात की जाती है तो नोटबंदी की बात करके उसको रोक दिया जाता है। चलिए, जो बात आई गई आज स्थिति किसानों के पास, आज किसान का कर्ज माफ हुआ है लेकिन आज नोट ड्यूज किसी किसान को नहीं मिल पा रहा है, किसान भटक रहे हैं कर्ज के लिए। राजिम में यहां के विधायक माननीय अमितेश जी ने एक घोषणा की थी, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन तक शराब और मांस मदिरा पुन्नी मेला में बंद रहेगा। इन्होंने कुंभकल्प का नाम बदला, पुन्नी मेला किया, जन भावनाओं के एक भावना थी राजिम लगातार विश्व के नक्शे में रहे, वो पहचान भी उन्होंने खत्म की। और आज शराब भुगती शराब दुकान बंद रहेगा 15 दिन। आज मैं लोगों से सुन रहा था, व्हाट्सएप में देख रहा था कि शराब दुकान प्रारंभ है और दुकानदार कह रहे हैं शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कैसे शासन है, कैसे मंत्रीगण हैं, कैसे विधायकगण हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं, इनकी दो ही बात 55 वर्षों तक चली है और जनता को भ्रमित करके सिर्फ राजकाज का काम मिले और जनता भटकती रहे, यही उनका उद्देश्य।